ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी में ठाकुर राम सिंह की 105वीं जन्मदिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। मुख्य अतिथि द्वारा कहा गया कि संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और लिखते हैं, परंतु जो इतिहास बनाते हैं उनमें से एक थे ठाकुर राम सिंह, जिन्होंने असंख्य विद्वानों को भारत के चैतन्य के प्रकाश के इतिहास को लिखने के प्रति प्रेरित किया। ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी में ठाकुर राम सिंह के 105वें जन्मदिन के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि संसार में बहुत से लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते वो लिखते हैं, परंतु बिरले लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। ठाकुर राम सिंह इतिहास रचने वाले लोगों में से एक थे, जिन्होंने असंख्य विद्वानों को भारत के चैतन्य के प्रकाश में इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ठाकुर राम सिंह को महान राष्ट्र चिंतक विद्वान इतिहास सविता बताया। और मुझे विश्वास है संस्थान सारे बने अगर भारत का भारतीय इतिहास विश्व में वैसे नहीं थी तो बोले हमारे पूर्वजों में से उनकी जानकारी को ग्रहण करना और विश्व का गुरु बनने का लक्ष्य से जो रहते थे पाना कहा भारत की होगी भारतीय विश्वगुरु बनेगा उसकी दिशा में जो कदम बढ़े संस्थान का बड़ा योगदान होगा ऐसा मेरा विश्वास है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने की। उन्होंने ठाकुर राम सिंह को कर्मयोगी बताते हुए ये आह्वान किया कि उनके द्वारा स्थापित शोध संस्थान के लिए भी अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। आज हमारे लिए संस्थान जो है इस संस्था को मजबूत करने के लिए राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान जो वो निभा मैं अपनी तरफ से उन सभी का मैं स्वागत भी करता हूं और उनको भरोसा भी दिलाता हूं कि संस्थान को आगे ले जाने के लिए चाहे किसी भी किस्म की सहायता की जरूरत हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने की हो हमसे जो बन पाएगा हम पूरा सहयोग उसमें देंगे। इस मौके पर उत्तर क्षेत्रीय प्रचारक बणबीर राणा बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ठाकुर राम सिंह ने निष्काम सेवा भाव से कार्य करते हुए अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित किया। उन्होंने इस मौके पर वीर सावरकर को महान क्रांतिकारी बताते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर डॉक्टर कंवर चंद्रदीप सिंह ढींब विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा ने क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर सावरकर पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से हुआ। इतिहास पुरुष वाचक गोकुल कुमार व संकल्प पाठ प्रोफेसर शशि कुमार ने किया। कार्यक्रम में चेतराम गर्ग निदेशक व समन्वय शोध संस्थान नेरी, सूरज ठाकुर कार्यकारी अध्यक्ष इतिहास संकलन योजना हिमाचल प्रदेश मौजूद रहे। इस मौके पर SBN BEd कॉलेज तरकुवाड़ी के छात्राओं ने देशभक्ति के गीत व MR बैरागी ने ठाकुर राम सिंह के ऊपर एक कविता पाठ किया। प्रेम सिंह भरमोरिया ने ठाकुर राम सिंह के संबंध में स्वरण सभी के बीच प्रस्तुत किया। शोध संस्थान के निदेशक प्यार चंद परमार ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंच का संचालन डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर शोध संस्थान के निदेशक प्रेम सिंह भरमोरिया, विजय कुमार, डॉक्टर रामेश चंद शर्मा, डॉक्टर बागचंद चौहान, अजय शर्मा, APMC के अध्यक्ष जगवीर चंदेल, DC शर्मा, रणवीर राणा, प्रवीण भट्टी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अपने
वो स्मार्ट हो गया होता है।